lost in your eyes under your spell. वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज है सरस्वती पूजा एंड रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, खाना नहीं खाया और मैं सुबह उठ के बाल धोई। मैं बोल रही थी 8 बजे से जाऊँगी, लेकिन अभी 9 बज रहा है और मैं 8 बजे उठी हूँ। तो वही बस प्रॉब्लम हो गया। और आज के ब्रेकफास्ट में है हमारे पास आज लहसुन का, दो नहीं खाऊंगी मैं। हाँ, एक खाओ, जितना खाना है खाओ, इधर इस तरफ खाओ ताकि मैं इधर तुम्हारा काम कर। प्लेन डोसा एंड चना की सब्जी। प्रियांशी, हाँ? पूजा के लिए रेडी? अपना मोबाइल लियो। हाँ, लियो, आपको कॉल। वो प्रसाद भगवान का नहीं लोगे क्या? हाथ धोए हो तो। हाँ। रुमाल लिए हो कि नहीं? हाँ, इधर है, मैं रात से पैक करके रखी थी। ओके ओके ओके। पूजा में तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ कोई फोटो खींच लेना भगवान जी के साथ। ओके, चलो लेट्स गो। बाय पापा। वापस आ गई हूँ एंड अभी मैं चिप्स खा रही थी और थोड़ा मंगस देख रही थी। बहुत मज़ा आया पूजा में, मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोज़ भी लिए हैं। और हमारी SSCM की बेटी ने हमारा हालत गाइस ख़राब कर दिया। मतलब छोटी बच्ची है तो वो लुका छुपी खेलेगी, ये खेलेगी, वो खेलेगी, और वहाँ ना धुआं हो रहा था तो आँख में जा रहा था झूणा धुप्पो सब। तो अभी मम्मी गई है बाहर कुछ चीज़ें लाने, इसलिए मैं यहाँ मेकअप भी नहीं निकाला है। बस आई वाज सो हंग्री और मैंने प्रसाद लाया, मैं वहाँ प्रसाद खाई और मम्मी के लिए एक लाया। मम्मी आ गई और देखो मंकी बन गई है, वो नारियल खा कितना खा। अच्छा लगता है ये वाला? अरे अच्छा लगता है, मतलब खाते रहोगे क्या? देखो खा रही है कैसे, खाली खाते जा रही है। खुद हुए कट कर ली, मतलब क्या मेरी मम्मी आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा नारियल किन किन को अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कमेंट करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका पानी सुबह सुबह पी लेती हूँ खाली पेट, और जब टाइम होता है इसको कट करके मैं खा लेती हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जाने के बाद ये सब करती हूँ। नहीं अरे ये घर पोछे कौन लगाया, दिखा तो। कब लगाए? मैंने तो नहीं देखा। सारा पोछा लगाया, तुम्हारा यूनिफॉर्म हाथ में साफ की हूँ। अरे एक्चुअली ना तुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ेगी शायद। फ्रेंड्स अभी मैं सो गई थी, मैं 4 बजे सोई थी मुझे याद है, और अभी मेरे घर आ रही है सोनाक्षी। और ये देखिए मेरे हाथ में कट गई। कट ही नहीं है, अगर इसमें हम पानी लगा दे तो कुछ दिखेगा भी नहीं। तो अभी हमारी प्यारी दोस्त सोनाक्षी आ गई है, बहुत अजीब दिखती है। सोनाक्षी यहाँ है और अभी थोड़ी देर में ये लड़की चली जाने वाली। क्योंकि पता नहीं। और ये ना बुक्स बहुत स्टेशनरी लाई है। सोनाक्षी चली गई है और खुशबू जिशो आए थे हमारे घर, वो हमारे पुराने नेबर्स थे एंड उनका पास ही में कुछ काम था, तो इसीलिए वो आए थे हमारे घर विजिट करने। एंड उनके साथ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी आए थे। आई डोंट नो मेरे सब्सक्राइबर्स ये व्लॉग देखते हैं कि नहीं, वो लोग जो आए थे, बट आई एम सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम हियर। एंड उनके साथ मैंने फोटो लिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे घर कोई मेरा सब्सक्राइबर है। एंड सो या दैट वाज ऑल अबाउट। तो सोनाक्षी भी चली गई और मेरी पिंकू आंटी भी जो आई थी वो भी चली गई। मेरे फ्रेंड्स चले गए हैं एंड अभी आज है सरस्वती पूजा, एज एवरीवन नोज, एंड रिपब्लिक डे भी है। तो सरस्वती पूजा के दिन बहुत लोग मानते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं, बट मैं और मेरे पेरेंट्स मानते हैं कि हमारी फैमिली पूरी मानती है कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करना
इज वेरी शुभ, ठीक है, क्योंकि तुमको पढ़ाई फिर सब आ जाता है। काश ऐसा सच्ची में होता, मतलब पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ेगा ना, ऐसे कोई आके तो एग्जाम में आंसर नहीं बताएगा, टू बी का आंसर 16 स्क्वायर फुट है, फिर बोले नहीं ना, तो हमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बट आपको एक मोटिवेशन मिल सकती है पढ़ने की, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर गाइस, एंड लाइक मेरे परदादा भी, मेरे दादाजी भी, मेरे मम्मी, मेरे मामू, उन सबको बोलते थे सरस्वती पूजा के दिन, गणेश पूजा के दिन पढ़ाई करवाते ही थे। बट आई डोंट नो, बहुत लोग नहीं मानते हैं, इट्स देयर ओपिनियन, बट मैं मेरा ओपिनियन शेयर करती हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करना चाहिए। एंड ऊपर से मुझे पढ़ाई, मैंने मेरा इंग्लिश लिख लिया, अभी मुझे मैथ लिखना है और कल मेरा SST का टेस्ट है। कितना अच्छा जिंदगी है ना मेरा, मुझे मेरा जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत। अगर ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले तो मुझे कहते थे तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन मुझे करना पड़ता है, पड़ता है। 34 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर वाइड, एट रुपीज 22 टोंका, उड़िया बोल दी, 50 पैसा पर मीटर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये हम खुद सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सर ने स्पेशली बोला है कि तुम्हें कंटिन्यू किया, कि तुम्हें स्पेशली इसका प्रोसेस के साथ करना है, मतलब मल्टीपल चॉइस है, हार्ड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं मेरा डिनर कर ली हूँ, एंड ऑयल तो लगा दो अच्छे से, पढ़ाई कर थोड़ा, मेरा मैंने इंग्लिश तो लिख दिया है जो कल कॉपी सबमिट करना है, बस मैंने मेरा SST का कल ट्यूशन में टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और मैथ का मेरा बहुत ज़्यादा होमवर्क है, मैं सर को बोलूँगी अगर होगा तो, नहीं हो पाया मेरे द्वारा सर कल, तो मैं 7:30 बजे अलार्म दी हूँ, लेकिन मैं कभी उठती नहीं हूँ, मुझे डेस्परेटली उठना पड़ेगा कल, जैसे भी जल्दी सो जाओगे तो उठ पाओगे। अभी टाइम हो रहा है 10:42 और मैंने जब अलार्म दिया लिखा कि अलार्म फॉर 8 hours and 50 minutes, और मम्मी मेरे बाल में तेल लग रहा है, आपने बोला था थोड़ा ऑयल लगाऊंगी, हाँ हो गया आज, ये थोड़ा ऑयल होता है, ये थोड़ा है, कंघी ले आओ तो कम है, नहीं पता मुझे कंघी कहाँ, मैं थक गई, कंघी कहाँ रहता है, कंघी कहाँ रहता है पूछी तो, अगर पूछी तो, अगर पूछी तो ठीक है, अगर पूछी तो ठीक है, बातें रुको, पीछे तरफ बड़ा लगाती हूँ। कल है हमारा फिर स्कूल, और सैटरडे को है हमारा PT मीटिंग, मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है परसों, तो होपफुली अच्छा आए, और मुझे झाड़ू से माड़ ना खाना पड़े, वैसे मैं तो कभी खाती नहीं हूँ माड़। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मार नहीं खाती, लेकिन स्कूटी पे मेरी मम्मी जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होने जब चलाएगी ना, पूरा 360 डिग्री अपना हेड रोटेट करेगी और मुझे थप्पड़ मारती है, और मुझे स्कूटी में बोलते रहती है, पता है वो बच्चा कितना मार ले, उसकी मम्मी कितना खुशी खुशी जा रही थी, ऐसा स्कूटी चला रहे हो गए फिर भी बोले, क्यों करते हैं मम्मी लोग ऐसा, मुझे नहीं पता बाकी मम्मी करते हैं कि नहीं, बट मेरी मम्मी तो करती है भाई, पूछ लो बाकी उनकी मम्मी करते हैं कि नहीं, कमेंट करो। और अगर आप ऑटो में भी जाते हो, जैसे भी जाते हो, लेकिन मम्मी हमेशा आते वक्त चेचा करती है, आ मेरा बाल, उनको ना आज शैम्पू किए हो ना तो जैसा हो गया मेरा बाल। सो सरस्वती पूजा के दिन भी बहुत हमारे ट्यूशन में बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए पढ़ाई, लेकिन फिर भी हमारे सर ने होमवर्क दिया, ये तो गलत बात था, कौन बोलता है नहीं पढ़ना चाहिए, सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करना चाहिए ताकि भगवान ज्यादा विद्या दे सरस्वती माता, जानते हो, तो फ्रेंड्स लोगों को भी कमेंट करने देना, करना फ्रेंड्स बोलो ताकि कौन कौन सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई की, प्रियांशी जैसे आज पढ़ाई की, ठीक है, and good night friends, thank you so much for watching this vlog till the end, and agar acha laga hai then don't forget to like, share and subscribe and click the bell icon, bye guys, jao massage karo, ho to gaya massage, aur kitna massage।
बाय। आई आई।